नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉयजी में। और आज हम लोग जुरिस्प्रूडेंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है कोडिफिकेशन। अभी कोडिफिकेशन क्या होता है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, कोडिफिकेशन क्यों जरूरी था, कोडिफिकेशन के क्या मेरिट्स हैं यानी इसके क्या लाभ हैं, ये सारी बातें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड है कोडिफिकेशन, इसका पहले अर्थ समझते हैं। कोडिफिकेशन को हिंदी में संहिताकरण कहा जाता है। अब ये संहिताकरण क्या होता है, आप लोगों ने अनेक कानूनों के आखिरी में नाम देखा है संहिता, जैसे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, तो ऐसे कई कानूनों में एक्ट यानी अधिनियम की जगह संहिता लिखा होता है। एक्चुअली कोडिफिकेशन का मतलब होता है उसको सेक्शन वाइज सिस्टमेटिकली अरेंज करना, संहिताबद्ध करना, मतलब कानून को संहिताबद्ध कर दिया गया। तात्पर्य यह होता है कि कानून को एक सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज कर दिया गया है, यानी धारा के हिसाब से, धारा एक, धारा दो, धारा तीन, इस प्रकार से। हमारा संविधान भी संहिताबद्ध है, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है। कोई भी कानून यदि व्यवस्थित रूप से बनाया जाता है, यानी उसको चैप्टर वाइज, धारा वाइज यदि किया जाता है, तो इसे संहिताकरण कहा जाता है। और जुरिस्प्रूडेंस में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जुरिस्प्रूडेंस हमारे विधि विद्यार्थियों का एक विषय है जिसका नाम है विधि शास्त्र। और विधि शास्त्र में एक प्रश्न आता है कि संहिताकरण क्या होता है, संहिताकरण के क्या लाभ होते हैं। आज इस बिंदु को हम लोग शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक है व्हाट डू मीन बाय कोडिफिकेशन, यानी कोडिफिकेशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संहिताकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द स्टेट्यूट, यानी इसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी कानून का स्टेट्यूट का, स्टेट्यूट मतलब संविधि अथवा किसी अधिनियम को व्यवस्थित रूप से जमाना, यानी किसी अधिनियम, अधिनियम मतलब एक्ट को व्यवस्थित रूप देना, इसी को ही संहिताकरण कहा जाता है, इसी को ही कोडिफिकेशन कहा जाता है। टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी, और ये क्यों किया जाता है, टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि इनकंसिस्टेंसी मतलब असंगतता, यानी असंगतता का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कोई विवाद ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी यानी असंगतता को दूर करने के लिए कोडिफिकेशन किया जाता है। सो वी कैन से इट इज अ कंपाइलेशन, ये कंपाइलेशन भी हो सकता है, कंपाइल करना, हम अपने नोट्स को कंपाइल करते हैं। कंपाइल मतलब जो इधर उधर बिखरा हुआ है उस बिखरे हुए को हम समेट देते हैं, तो इसको कंपाइलेशन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार कोडिफिकेशन मतलब उस एक्ट को कंपाइल करना। अब आपको मैं याद दिलाता हूं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता MPLRC, आप सभी को पता है MPLRC को कोड क्यों बोला गया, क्योंकि 5 राज्यों में ये भू राजस्व के जो नियम थे वो बटे हुए थे। सिरोन क्षेत्र में अलग था, भोपाल क्षेत्र में अलग था, मध्य भारत में अलग था, विंध्य प्रदेश में अलग था, इन सबको मिलाकर उसे कंपाइल कर दिया गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हम सभी लोगों ने संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के बारे में सुना है। संपत्ति अंतरण 1882 के पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर के अलग अलग नियम थे, उन सबको कंपाइल करके एक एक्ट बना दिया गया। तो ये कोडिफिकेशन जो होता है, ये कंपाइलेशन भी इसे कहा जा सकता है, कंपाइलेशन ऑफ द मॉडर्न लॉ। और आज के लिए जितने भी मॉडर्न लॉ है, यानी आज के जो वर्तमान में जितने भी आधुनिक विधियां हैं, उन आधुनिक विधियों में, चूंकि आधुनिक विधियां लेजिस्लेशन बना रही है, मतलब पार्लियामेंट बनाती है या लेजिस्लेटिव बॉडी यानी विधायिका बनाती है, तो वो कोडिफिकेशन करती है, इसी को सिस्टमेटिक तरीके को जमाना, उसको अरेंज करना, इसी को कोडिफिकेशन कहा जा सकता है। तो वर्तमान के जितने भी आधुनिक कानून हैं, ये आधुनिक कानून का कोडिफिकेशन वर्तमान में हो रहा है। और ये सबसे पहले कोडिफिकेशन भारत में कैसे चालू हुआ था, तो भारत में अंग्रेजों का जब शासन था तब एक चार्टर एक्ट बनाया गया था, हम सभी लोगों ने सुना है चार्टर एक्ट 1833, और इसने नींव रखी थी पहले लॉ कमीशन की, यानी प्रथम विधि आयोग। तो हमारे देश में प्रथम विधि आयोग बनाया गया 1834 में, जिसके फादर, जिसके अध्यक्ष जो थे वो मैकॉले को बनाया गया था, और मैकॉले को ही कोडिफिकेशन का भी फादर कहा जाता है। यानी भारत में संहिताकरण जो प्रारंभ हुआ वो मैकॉले के शासनकाल से प्रारंभ हुआ, और जिसने किया था वो था फर्स्ट लॉ कमीशन, यानी सबसे पहले कोडिफिकेशन का काम करने वाला आयोग जो था वो प्रथम विधि आयोग था, जिसकी नींव 1833 में डली थी। और जो थर्ड लॉ कमीशन आया था, इस थर्ड लॉ कमीशन को तो गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि थर्ड लॉ पीरियड जो है इसको गोल्डन पीरियड ऑफ द कोडिफिकेशन, यानी इस समय हमारे देश में बहुत सारे कानूनों का कोडिफिकेशन हुआ, बहुत सारे कानून को संहिताबद्ध किया गया, बहुत सारे कानूनों को सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया गया। अब इसके क्या लाभ हैं, कोडिफिकेशन के लाभों को यदि हम बात करें तो कोडिफिकेशन के अनेक लाभ हैं। सबसे पहले सर्टेनिटी, अभी तक जो भी कानून है, भले वो प्रथाओं से आए हों, परंपराओं से आए हों, या जुडिशियल डिसीजन से आए हों, इन सब में सर्टेनिटी नहीं होती है, निश्चितता नहीं होती है,
लेकिन कोडिफिकेशन जो है ये कानून में निश्चितता लाता है और ये सर्टेनिटी लाता है। दूसरा, ये यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म मतलब एक रूप रहता है, पूरे देश में एक जैसा चलता है। जैसे हम लोगों ने जुविनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की यदि बात करें तो जुविनाइल जस्टिस एक्ट में जुविनाइल यानी 18 साल से कम आयु का व्यक्ति, अब ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर असम से लेकर गुजरात तक हर जगह जुविनाइल का अर्थ एक ही माना जाएगा। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाता है, मतलब एक रूपता लाता है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, और ये किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको दूर करने का काम भी कोडिफिकेशन करता है। तो ये किसी प्रकार के विवाद को दूर करता है और ये सिस्टमेटिक होता है, ये बहुत ही व्यवस्थित रूप से किसी कानून को रूप देने को ही संहिताबद्ध कहा जाता है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, यानी इसकी कुछ हानियां भी है। सबसे पहले ये रिजिड हो जाता है, यानी कानून को बदलने में बड़ी दिक्कत होती है, संशोधन की प्रक्रिया कई बार टाइट होती है, बहुत ही टफ तरीके से संशोधन होता है, तो ये रिजिडिटी भी होती है इसमें। रिजिडिटी का मतलब हो गया कि ये कानून जो होता है थोड़ा रिजिड हो जाता है, मतलब कठोरता इसमें आ जाती है। इसके बाद है नो सेल्फ सफिशिएंट, ये कई बार अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, ये भी एक बड़ा डीमेरिट है, यानी कई बार ये अपूर्ण होता है, कई बातें इसमें छूट जाती है, तो ये पूरी तरीके से एग्जॉस्टिव भी नहीं होता है कई बार, और अपर्याप्त बोल सकते हैं। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और कई बार अनेक कानूनों के साथ इसका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, मतलब समन्वय की कमी होती है। तो कोडिफिकेशन के लाभ और हानि, यह भी एक LLB में आने वाला क्वेश्चन है। जुरिस्प्रूडेंस के इसी प्रकार के अन्य टॉपिक्स के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी। इसके अलावा LLB सिविल जज और जुडिशरी की क्लासेस के लिए डाउनलोड करें लॉ इजी एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं इसके वो छूट गए हैं, उसे भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। कोडिफिकेशन को संहिताकरण तो कहा ही जाता है और ये किसका विषय है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये विधि शास्त्र मतलब जो हमारे हमारा जो सब्जेक्ट है जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र का एक विषय है और विधि शास्त्र में इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विधि संहिताकरण क्या होता है। तो विधि शास्त्र का एक यह विषय है और इसका प्रश्न किस प्रकार से आता है उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसका प्रश्न आता है कि संहिताकरण क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कोडिफिकेशन, राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द कोडिफिकेशन। तो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कोडिफिकेशन यानी संहिताकरण क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोडिफिकेशन यानी संहिताकरण क्या होता है कोडिफिकेशन, एंड व्हाट आर दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यानी मेरिट्स डीमेरिट्स आपसे पूछ सकता है, मेरिट्स क्या होते हैं और इसके डीमेरिट्स क्या है, मतलब इसके लाभ और हानि। तो इस प्रकार का एक प्रश्न LLB एग्जामिनेशन में आता है, भले वो LLB के एग्जामिनेशन हो या BLLB के एग्जामिनेशन हो। तो संहिताकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, संहिताकरण को इस प्रकार से हम समझेंगे कि संहिताकरण यानी सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है, इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए किया जाता है, इसे कंपाइलेशन भी कहा जा सकता है और मॉडर्न लॉ जितने भी हैं उसमें कोडिफिकेशन हो रहा है। चार्टर एक्सेस की न्यू डली थी और तीसरा जो लॉ कमीशन था इसमें बहुत सारे कानून हमारे देश में कोडिफाई हुए थे, इसके अनेक मेरिट्स हैं। सबसे पहला मेरिट है निश्चितता लाता है, एक रूपता लाता है, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है और ये सिस्टमेटिक होता है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, ये बहुत रिजिड होता है, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, एंड लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें समन्वय का अभाव होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।